हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मुनमुन स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई, और चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1 किलो चिकन, और चिकन को मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। और यहाँ लिया है 2 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 4 बड़े टमाटर और हरी मिर्च, 1 कटोरी दही लिया है मैंने, और 150 ग्राम घी, 2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, हल्दी लिया है मैंने 1 चम्मच, 1.5 चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच मैंने लिया है जीरा पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर, और यहाँ लिया है 1 चम्मच गरम मसाला, ये मैंने एवरेस्ट का लिया है, 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी, और आखिर में मैंने लिया है नमक स्वाद के अनुसार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चढ़ाते हैं कढ़ाई। कढ़ाई चढ़ाने के बाद, गरम होने के बाद, अब हम उसमें डालेंगे घी। घी जैसे ही गरम हो जाता है, उसमें हम सारे चिकन के पीसेस डाल देंगे, और चिकन को कम से कम 5 मिनट के लिए घी में अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। तो अभी मैंने गैस का जो मीडियम करके रखा हुआ है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर जो है वो मैंने बड़े टुकड़ों में काटा है, वो इसलिए ताकि जब टमाटर गल जाए तब उसके छिलके मैं आसानी से निकाल सकूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, और धीमी आंच पर इसे हम 5 मिनट के लिए टमाटर और चिकन और घी में 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढककर। मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं चिकन ने पानी छोड़ दिया है, टमाटर के छिलके जो हैं वो अलग हो चुके हैं। तो अब मैं सारे छिलकों को अलग कर लूँगी टमाटर से। इस समय पे गैस की आंच जो है वो धीमी कर लीजिए। मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार, काली मिर्च पाउडर जो कि मैंने 1 चम्मच लिया है, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर, और इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करना है। गैस जो है वो बिल्कुल धीमा कर लेना है। और इसे धीमी आंच पे कम से कम मैंने 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और चलाते रहना है इसे। आप देख सकते हो कलर चेंज हो गया है, मसाले में से तेल निकलना शुरू हो गया है, पानी जो है वो कम होता जा रहा है जो चिकन में पानी छोड़ा था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी और गरम मसाला। यहाँ पर आप धनिया पत्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बारीक कट करके, पर मैं यहाँ पे धनिया पत्ता इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कसूरी मेथी और गरम मसाला डाल रही हूँ। और अब मैं इसे मिक्स करूँगी अच्छे से।
गैस मैंने बिल्कुल धीमा करके रखा हुआ है, लो आंच पे है। अब हम इसको चेक करेंगे ये कितना पक चुका है। इसको चलाते रहना है ताकि मसाले जो हैं वो कढ़ाई में लगे ना। और ऑलमोस्ट चिकन पक चुका है आधे से ज़्यादा। इस टाइम पे अब हम इसमें डालेंगे दही। दही जो है वो बिल्कुल ताज़ा दही होना चाहिए, खट्टा दही बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर का अगर आप घर का ताज़ा दही डालेंगे तो वो खट्टा कम होता है और अच्छा टेस्ट आता है, तो घर का दही डालिए हो सके तो। और अब इसे तुरंत चलाना है ताकि दही फटे नहीं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की आंच थोड़ा सा तेज़ करेंगे इस टाइम पे। चलाना है इसे अच्छे से, मिक्स करना है दही को। अब हम गैस की आंच थोड़ा सा धीमा करके इसे हम 3 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे बिल्कुल धीमी आंच पे, ताकि जो चिकन जो थोड़ा सा जो पकना बाकी रह गया है वो पक जाए और दही का जो टेस्ट है वो उसमें आ जाए। तो अब देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, चिकन बनके तैयार है। ये थी कढ़ाई चिकन की रेसिपी। तो इस तरीके से बनती है ये कढ़ाई चिकन, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हुई है ये रेसिपी तो प्लीज़ अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी तरीके की रेसिपी, नई रेसिपी लेके फिर से नए वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।